अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास जो ये है कि इफ़ द, बेटे आप लोग जब ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो प्लीज़ अपनी बुक अपने पास रखिएगा। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट, एक कारपेट है उसकी प्राइस उन्होंने बताई हुई है कितनी है, ये है 6,288 रुपीज़। प्राइस तो बता दिया लेकिन वो कितने की है, 8 मीटर लॉन्ग है एंड 3 मीटर वाइड है, यानी कि 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा कारपेट है जिसकी प्राइस 6,288 है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर कार लॉन्ग प्राइस, व्हाट विल बी द प्राइस, यानी कि प्राइस कितनी होगी किसकी, 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट, 12 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा कारपेट है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, इधर आपके पास कितनी चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, प्राइस, लेंथ और विड्थ, तीन चीज़ें हैं। तो हम इसको क्वेश्चन में देखते हैं कैसे किया। लेट द प्राइस ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, हमने सपोज करनी है, जो हमने फाइंड करनी है एक्स है, प्राइस लेंथ, यहाँ पर ये मीटर लिख लीजिएगा, मीटर मैंने मेंशन कर दिया, लेंथ मीटर्स में है, विड्थ भी मीटर्स में है। ठीक है, अगर 3 मीटर वाइड और 8 मीटर लॉन्ग जो ये कारपेट है उसकी प्राइस है 6,288, तो 6 मीटर वाइड और 12 मीटर लॉन्ग, यानी कि अगर उसकी लेंथ भी और विड्थ भी बढ़ा दी जाए तो उसकी प्राइस क्या होगी, तो वो हमें खुद ब खुद पता है कि अगर लेंथ भी बढ़ जाए और विड्थ भी बढ़ जाए तो प्राइस ऑब्वियसली जो है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक, ये प्राइस भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। इसका हमने अपवर्ड लगा दिया एरो एक्स वाली वैल्यू का। अब हमने इसका और इसका रिलेशन चेक करना है, लेंथ का और प्राइस का। तो देखें, 8 मीटर लेंथ है तो प्राइस 6,288 है, तो अगर 12 मीटर लेंथ हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है लेंथ बढ़ेगी, हमें पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसका एरो भी कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा। ओके, अब हम लेंथ को छुपा के इसकी विड्थ चेक करते हैं। अगर 3 मीटर उसकी विड्थ है तो उसकी प्राइस तो 6,288 रुपीज़ है, और अगर 6 मीटर है तो कितनी होगी, जाहिर सी बात है हमारे पास उसकी विड्थ में इजाफा हुआ है, विड्थ इंक्रीज हुई है, तो प्राइस भी हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो ये भी आपके पास कौन सा रिलेशन बन गया, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसको हमने अपवर्ड, इसका एरो भी अपवर्ड लगा दिया, डायरेक्ट है ना, सेम सेम है, तो इसी इसी की डायरेक्शन में हमने वो एरो लगा दिया। अब एक्स ओवर 6,288 इज इक्वल टू 12/8 और 6/3 आ जाएगा। अब आपके पास जो है 12/8 को हमने डिवाइड किया 4 पे, 4 3 12, 4 2 8, और 6/3 को हमने डिवाइड किया किस पे, 3 पे, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 3/2 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 आ गया। अब 2 1 जार 2 से 2 कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बच गया, 3 बच गया। अब आपके पास है एक्स ओवर 6,288 इज़ इक्वल टू 3। अब ये चीज़ जो है वो क्या है, डिवाइड हो रही है, जब हम इक्वल के इधर लेकर जाएंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई होके ये आपके पास ये चीज़, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन भी इधर कर दी। और बेटा 8th क्लास, ये बात अपने माइंड में रखें कि 8th में कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो अलाउ नहीं है, आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है बाय हैंड करनी है, बिल्कुल कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। ठीक है, मैंने भी कोशिश की है जितनी कैलकुलेशंस हो सकें आपको इसके ऊपर शो कर दी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 15 लेबर्स, 15 मजदूर अर्न करते हैं 67,500 इन 9 डेज में, 9 दिन काम करके इतने रुपए कमाते हैं 15 लेबर्स, हाउ मच मनी, कितने पैसे कमाएंगे, कितने रुपए कमाएंगे, विल कौन, 10 लेबर्स, लेबर्स कम हो गए हैं, अर्न इन 12 डेज। ठीक है, 9 की बजाय डेज ज़्यादा कर दिए हैं और लेबर्स कम कर दिए हैं। अब ये जो है ना वो कितने पैसे कमाएंगे 12 दिनों में, हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। लेट द मनी, कितनी मनी है, एक्स रुपीज़, जो हमने उसकी फाइंड करके हमने देनी है। अच्छा, इसका स्केच बनाया, रुपीज़ हैं, लेबर्स हैं, डेज हैं। रुपीज़ कितने कमाते हैं, 67,500, लेबर्स कितने हैं, 15, डेज कितने लगाते हैं, 9। अगर वही अगर 12 डेज लगा के लेबर्स 10 लेबर्स हो जाएं तो कितने पैसे कमाएंगे। अच्छा, अब हमने वही चीज़ वही काम करना है, इसका एरो तो हमने अपवर्ड लगा दिया, अब हमने इसको छुपाया,
इन दोनों का रिलेशन चेक करते हैं, 9 दिन काम करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ज़्यादा दिन काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम पैसे तो नहीं मिलेंगे, जितना ज़्यादा काम उतने ज़्यादा पैसे, ठीक। डायरेक्ट रिलेशन, ये हमने इसका एरो अपवर्ड लगा दिया। अब लेबर्स के साथ करेंगे, ज़्यादा लेबर्स, 15 लेबर्स हैं तो इतने पैसे लेंगे, 10 लेबर्स हैं तो कितने लेंगे, ज़्यादा लेबर्स हैं ना, ज़्यादा लोगों को जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम लोग होंगे तो हमारे पैसे भी कम लगेंगे, उनको पैसे कम देने पड़ेंगे, तो 15 लेबर्स 67,500 और 10 लेबर्स उसके उसी हिसाब से हमारे कम पैसे लगेंगे। ये भी हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, इसका भी एरो हमने अपवर्ड लगा दिया, दोनों में डायरेक्ट आ रहा है। तो एक्स ओवर 67,500, 10/15 और 12/9। 10/15 को हमने किस पर, 5 पे डिवाइड किया, 5 2 10, 5 3 15। ये 12/9 को किस पे डिवाइड किया, 3 पे डिवाइड किया, 4 3 12 और 3 3 9, ठीक है। फिर अब x ओवर 67,500 इज़ इक्वल टू 4, और 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 3 3 9, ओके। अब 67,500 क्या हो रहा है, डिवाइड x के साथ, जब हम इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हमने 9 के टेबल पे डिवाइड किया, हमने मैं वैसे भी आपको बताती हूँ, और ये डिवीजन भी शो की हुई है, 9 7 63 63 से ये 7 है, 4 इधर गया तो ये 45 बन गया, 9 5 45 और 2 0s ये वाले आपके पास आ गए। फिर हमने 7500 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 60,000 रुपीज़ हमारे पास बन गया। ये देखें, ये मल्टीप्लिकेशन भी शो हुई है और ये इसकी डिवीजन भी शो हो रही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 70 men कैन कम्प्लीट अ वॉल ऑफ 150 meter लेंथ इन 12 डेज, 12 दिनों में 70 आदमी 150 meter लंबी जो है ना वो एक दीवार बनाते हैं। हाउ मैनी मैन, कितने आदमी विल कम्प्लीट, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, मैन फाइंड करने हैं, वो दीवार कम्प्लीट करेंगे, कितनी दीवार, अगर वो 150 मीटर की बजाय 600 मीटर लंबी हो जाए और वो दिन 12 की बजाय 30 दिन हो जाए तो क्या होगा। तो हम ये लेट द नंबर ऑफ, ये आपको अगर शो नहीं आ रहा मैं बताती हूँ, लेट द नंबर ऑफ मैन, एक्स है मैन वॉल डेज, इसका स्केच बना लिया, 70 men 150 days में 150 meter वॉल बनाते हैं 12 days में, तो एक्स मैन जो हैं वो 600 meter जो लंबी दीवार बनाएंगे वो 30 days में बनाएंगे, ठीक है। इसका एरो हमने अपवर्ड लगा दिया। अब हमने रिलेशन चेक करना है, ये देखें 150 meter लंबी दीवार है तो वो 70 आदमी बनाएंगे, 600 meter लंबी दीवार है तो ज़ाहिर सी बात है हमें ज़्यादा आदमी चाहिए, बड़ी दीवार बनानी है, तो इसका हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन, कम लंबी दीवार है कम आदमी, ज़्यादा लंबी दीवार है ज़्यादा आदमी, तो क्या हो गया, एक क्वांटिटी बढ़ती है साथ में दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है दूसरी भी कम हो जाती है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, इसका हमने एरो अपवर्ड लगा दिया। अब इसको हम अगर छुपाते हैं, डेज और मैन का रिलेशन चेक करते हैं, 12 दिनों में 70 आदमी काम करेंगे तो 30 दिनों में कितने आदमी काम करेंगे, कम करेंगे ना, सॉरी ज़्यादा करेंगे ना, सॉरी हाँ कम करेंगे, क्योंकि 12 दिन है, दिन कम है आदमी ज़्यादा हैं, और अगर दिन ज़्यादा कर दिए जाएँ तो आदमी कम हो जाएंगे, ये इसका क्या है, इनवर्स रिलेशन बन जाएगा, ठीक। अब x ओवर 70, ये 600 ओवर 150 और ये 12 ओवर 30, ये अब कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन भी आ गया और इनवर्स रिलेशन भी आ गया, इसको हम कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कहेंगे, जिसमें दोनों टाइप की रेशियोज आ जाती हैं। अच्छा, 600 ओवर 150, 0 से 0 कट गया, 60/15 है, इसको हमने डिवाइड किया 15 पे, 15 4 16, 15 1 15, और 12/30 को हमने डिवाइड किया 6 पर, 6 2 12, 6 5 30। एक्स बाय 70 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 4 बचा, मल्टीप्लाई बाय ये 2/5, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 5, 70 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 1 5, 2 बच गया, 5 4 20, इस तरह डिवाइड किया और इस तरह भी डिवीजन मैंने बता दिए, ठीक है। 14 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 112 मैन जो है वो हमें चाहिए, ये इसको इसकी मल्टीप्लिकेशन शो कर दी, ठीक है, आपको समझ लग गई। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर एरोस में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, समझ नहीं आ रही, तो आप दोबारा जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे होम।